वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पर चैप्टर सब करने वाले हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं चैप्टर 4 हीट का पार्ट 1 डिस्कस करने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, 4.1, 4.2 और 4.3। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 4.1 टॉपिक में, जो है हॉट एंड कोल्ड। अब अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने बहुत सारी थिंग्स ऑब्जेक्ट्स टच किए हैं। बहुत सारे हॉट भी होते हैं और बहुत सारे कोल्ड भी होते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट जैसे कि टी हो गया और कोल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि आइस हो गया। लेकिन हमको कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है? हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बताता है हमको कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। ये हो गया हमारे बात 4.1 हॉट एंड कोल्ड का। अब हम लोग आते हैं 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर। अब मेजरिंग टेम्परेचर क्या होता है? जो मेजरिंग टेम्परेचर, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक कप ऑफ टी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, और जो टी होती है उसका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। तो उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर, जिससे जो टेम्परेचर है वो ईजिली मेजर हो जाता है। और जो थर्मोमीटर है वो भी 2 टाइप्स का होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होते हैं जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में यूज़ करते हैं, और इसका पिक्चर एज इट इज़ है। अब हम लोग आते हैं 4.3 पर, जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? वो थर्मोमीटर जो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, और उसका पिक्चर भी आपके स्क्रीन के सामने है। अब ये हो गया हमारा 3 टॉपिक्स, लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक आता है रेंज ऑफ थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर होता है उसका कोई रेंज होता है। रेंज का क्या मतलब होता है? जो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लिनिकल थर्मोमीटर में कितने डिग्री सेल्सियस से लेकर कितने डिग्री सेल्सियस तक है उसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ थर्मोमीटर। तो जो रेंज ऑफ थर्मोमीटर है सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर पर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का है वो है हाईएस्ट जो है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। और बिसाइड ऑफ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक और थर्मोमीटर होता है जो अभी हाल ही में चला है, जिसका नाम है डिजिटल थर्मोमीटर। वो आपकी बुक में नहीं लिखा है इसलिए उस टॉपिक के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम लोग आते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर। जो एक ह्यूमन बॉडी का एकदम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में मैंने आपको रेंज ऑफ थर्मोमीटर समझाया है और 4.1, 4.2 और 4.3 ये तीनों टॉपिक समझाए। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी जाकर लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। गुड बाय।